और वो बाइक वाला मेरे को बोल रहा था कि भाई तेरे को, तू मेरे को थोड़े पैसे दे, मैं तेरा इमिग्रेशन जल्दी क्लियर करवा दूंगा। ये लोग बहुत टाइम लेने वाले हैं क्योंकि अभी तक इन्होंने वो ऊपर का कुछ बांधा नहीं। दो तीन पैसेंजर तो भाई छोड़ के चले गए, ऐसे गाड़ी पंचर हो गई हमारी। काफी फ्रेंडली लोग है लेकिन वो धीरे से हल्के से आपको पैसे मांग लेते बाद में। हाउ मच फॉर समोसा? इतना इंडिया जैसा फुला हुआ नहीं है, इनका समोसा ऐसा फ्लैट है। स्वागत है भाई एक नई वीडियो में। और अभी मैं इस वक्त हूँ उगांडा में, बुसिया टाउन जो है लगभग यहाँ से, मतलब बॉर्डर है, ये बॉर्डर टाउन है। यहाँ से एक या दो किलोमीटर बाद केनिया आ जाएगा। तो मैं अभी उगांडा से केनिया बॉर्डर क्रॉस करने वाला हूँ, मैं उगांडा से केनिया जाने वाला हूँ बॉर्डर क्रॉस करके। तो ये मैं बुसिया में रुका था कल, उगांडा का बुसिया, और केनिया में भी बुसिया है, बुसिया नाम की जगह है। जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो बुसिया नाम की जगह आएंगी। तो यह है यहाँ का टाउन। ये लगभग अभी सुबह के कितने हैं, शायद से 9:30 या 10 बज रहे, और अच्छी खासी धूप है यहाँ पर। और सबसे पहले मैं अभी प्रिंटआउट निकालूंगा, तो मैं प्रिंटआउट का दुकान ढूंढ रहा। मेरे पास ईस्ट अफ्रीका वीज़ा है, ईस्ट अफ्रीका वीज़ा। तो उस वीज़ा की वजह से मैं रवांडा, केनिया और उगांडा, ये तीन कंट्री कितने भी बार इधर उधर जा सकता, 3 महीने की वैलिडिटी है उसकी। तो अभी मैं केनिया जाने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले प्रिंटआउट निकालना है मेरे को उस PDF की। और मेरे पास स्टिकर भी लगा हुआ है पासपोर्ट में वो वीज़ा का, तो शायद से मेरे को उस PDF की प्रिंट नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी निकाल लेता भाई। कुछ भरोसा नहीं है साला इमिग्रेशन वालों का, तो आप क्या मांग ले और क्या, कौन से टाइम पे क्या कर ले कुछ पता नहीं। और ये है भाई, ये यहाँ का चौक है, ये दुकान वगैरह है। यहाँ पे एक छोटा सा टाउन है, उसमें कुछ बहुत बड़ा टाउन नहीं है। तो भाई प्रिंट ले लिया मैंने अभी, और अभी मैं जा रहा कस्टम्स, उगांडा की कस्टम्स तक हम जा सकते हैं बाइक से या पैदल। पैदल तो कितना भी दूर जा सकते, लेकिन बाइक से उगांडा के कस्टम तक जा सकते हैं हम। तो उगांडा के कस्टम जा रहा हूँ अभी। पूरी लाइन से ट्रक खड़ी है भाई। ये भाई इमिग्रेशन, मैं अभी उगांडा का इमिग्रेशन क्लियर करता हूँ और फिर मैं आपको मिलूँगा उस तरफ, केनिया की तरफ। देखते हैं क्या पूछते हैं लोग, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे उगांडा वाले। स्टैम्प ही मार रहा है भाई इनको, मैं तो निकल रहा है इनके कंट्री से, इनकी कंट्री छोड़ रहा। तो वैसे ये उगांडा का इमिग्रेशन है, और यह है बुसिया बॉर्डर उगांडा का। और वो बाइक वाला मेरे को बोल रहा था कि भाई तेरे को, तू मेरे को थोड़े पैसे दे, मैं तेरा इमिग्रेशन जल्दी क्लियर करवा दूँगा। बोला भाई इसमें क्या है, इमिग्रेशन क्लियर करना क्या है यार, स्टैम्प भी तो, एग्जिट स्टैम्प तो लगवाना है। तो मैं मिलता हूँ अगली बार, ठीक है, वहाँ जाके केनिया में। ये था भाई बॉर्डर, मैंने उगांडा का भी इमिग्रेशन क्लियर कर लिया और केनिया का भी इमिग्रेशन क्लियर कर लिया। सॉरी भाई। तो क्या हुआ कि पहले उगांडा वाले ने स्टैम्प मारा, कुछ पूछा ही नहीं, बोले इतने जल्दी क्यों जा रहा हूँ उगांडा छोड़ के। बोला भाई क्या अभी हो गया मेरा घूम के। तो फिर उगांडा वाला भी क्लियर हो गया, और फिर केनिया में, जब केनिया वाला जब इमिग्रेशन हुआ तो उसने पूछा कि कहाँ जा रहा है। मैं बोला किसुमू, तो मैं किसुमू जाने वाला हूँ। तो बोले कि तेरे को लेक किसुमू पता है क्या? मैं बोला नहीं पता। बोले कि जा, बढ़िया जगह है। बोला ठीक है जाऊँगा, हो गया इतना ही था। और ये है भाई, ये भी केनिया में भी एंटर हो गया, मैं ये केनिया आ गया मैं। और ये है बुसिया टाउन, ठीक है, जो उधर था मैं जब उगांडा में, तो वो भी बुसिया टाउन था और ये भी बुसिया टाउन है। अब यहाँ से मैं पैसे चेंज करूँगा, करेंसी चेंज करूँगा, और फिर यहाँ से मैं बस पकड़ के किसुमू जाने का सोच रहा। किसुमू जो यहाँ से लगभग पता नहीं कितना दूर है, शायद से 2.5 घंटा है ये बॉर्डर से। हेलो, नो आई एम गोइंग टू किसुमू। Yes. Kisumu. The stage is here. Come, I'm the one asking, but come this way. And yeah. Come with me. I booked the vehicle. Come. Go with this man, eh? By bus? No. By shuttle. Shuttle. Matatu. Matatu. Yeah. Okay. You are taking me. How much you will charge for me? Kisumu only 600. 600. Yeah. 600. How far is Kisumu?
only 2 hours. 2 hours. Yeah. 600. The matato is not you're taking so much. No, I'm not taking so much. Then only 600, 2 hours. What about 400? 400, no. 450? 550. Step 500. Come with me. भाई पता नहीं यार मेरे को ये टिकट कितने आई डोंट हैव मनी आई विल चेंज द मनी ओके ओके कम वेयर इज द बीरो कम भाई पता नहीं मेरे को ये कितना चार्ज है मटाटो से मतलब वैन से शायद कैमरा तो ये भाई मेरे को 500 में लेके जा रहा 500 केनियन सीलिंग इंडिया से पता नहीं कितने हैं 2 घंटे की दूरी पर शायद से ज़्यादा ही चार्ज कर रहा भाई मेरे को ऐसा लग रहा शायद से 350 रुपये इंडिया के हो गए हेलो हेलो करेंसी तो मेरे पास अभी उगांडा के पैसे हैं शायद इनसाइड इनसाइड यू टेल मी हाउ मच 28 नो 29 इवन 100 या आई एम ऑलरेडी गिविंग यू टू मच नो नो यू टेक दैट मनी इज ओके 300 इज द रेट 3 टेक दैट मनी यू आर गिविंग मी 200 500 यू गिव मी उगांडा शिलिंग आई विल गो Hey, camera and recording. No, recording the how we exchange the money. Just for me, not you. Yeah. Just my face, not just you. Just count your money. One good money, that's counting. भाई जो मैंने किया वो आप बिल्कुल मत करना क्योंकि क्योंकि शायद से मैंने 200 रुपये एक्स्ट्रा दिए उनको शायद से 200 रुपये एक्स्ट्रा दिए 200 या 250 एक्स्ट्रा दिए मैंने मेरे पास कितने 1 लाख उगांडा शिलिंग थे और मेरे को अगर मैं गूगल में रेट देखता हूँ तो 3,250 ऐसा कुछ था 3,250 मेरे को वापस मिलना चाहिए था लेकिन भाई मैं मैनेज नहीं कर पाया मेरे को 2900 मिले 2900 लेकिन ठीक है यार मेरे को ज़रूरत थी अभी तो अभी भाई मेरे को पता नहीं कहाँ लेके जा रहा हेलो यस आई एम गुड सो भाई ये है मटाटो यहाँ से मैं जाने वाला हूँ लगभग 500 शिलिंग में और बाकी जो एक्सचेंज रेट थे उससे तो ठीक ही था वो 2900 और मैं मिलूँगा वहाँ पे किसुमू में मैंने कुछ खाया नहीं लेकिन बिस्किट का पैकेट है मेरे पास और ये फुल हो गया ये बैग ऊपर रखी है ये लोग शायद से बांध लेंगे उसको ये लोग बहुत टाइम लेने वाले हैं क्योंकि अभी तक इन्होंने वो ऊपर का कुछ बांधा नहीं 2-3 पैसेंजर तो भाई छोड़ के चले गए कि बहुत टाइम लगा रहे थे और शायद से ये सबसे सस्ता ऑप्शन है जो मैं यूज़ कर रहा मेरे को 327 रुपये लगे यहाँ से किसुमू जाने में इतने सब जल्दी जल्दी मैं एक चीज़ भूल गया मैं अपना सिम कार्ड चेंज करना भूल गया भाई सिम कार्ड बदलना भूल गया मेरे पास उगांडा का एयरटेल का सिम है और लेकिन अभी ये काम कर रहा है अभी तो यहाँ पे उगांडा का सिम यहाँ पे भी काम कर रहा है एयरटेल का लेकिन पता नहीं आगे किसुमू की तरफ करेगा या नहीं करेगा अभी तो काम कर रहा I'm your follower. You're my follower. I used to watch your. Actually, I used to watch your documentary. My documentary. Touch your wallet to give us something a little bit, so you're going to unlock our head. I don't know, bro. What is your motto? Even 100, even 200. No, I don't know. I give this money to the taxi guy. Safe journey. Thanks. I'm happy to see you. Yeah. भाई इनको टाइम लगने वाला है तब तक मैं एक कुछ खा लेता हूँ यहाँ पे मेरे को समोसा ब्रो वन समोसा प्लीज़ ये देखो भाई ये केनिया का समोसा है हाउ मच फॉर समोसा 20 बॉस व्हेन मी एम ईटिंग वन यू आर ईटिंग वन ओके टेक ये भाई ने एक लिया तो टोटल 40 हो गए यहाँ पे मांगते हैं यार लोग मतलब पैसे या कुछ खाने पीने के लिए मांगते रहते हैं क्या खाने पीने के लिए कभी कभी मना नहीं करता लेकिन पैसों के लिए मैं मना कर देता भाई ये केनिया का समोसा इसमें आलू है लेकिन उतना इंडिया जैसा फुला हुआ नहीं है इनका समोसा ऐसा फ्लैट नहीं नहीं मजा अच्छा ही है फिर भी ठीक है हाउ इट इज गुड तो अभी यहाँ पे रिकॉर्ड करने कुछ है नहीं भाई मैं एकदम बीचों बीच बैठ गया पहले मेरी सीट यहाँ पर थी यहाँ पर लेकिन अभी और एक आदमी आ गया और मेरे को एक बीच में डाल दिया पता नहीं अभी
क्या हो गया, ऐसे गाड़ी पंचर हो गई हमारी और अभी लगभग आधा घंटा हो गया यहाँ पे। पंचर वाले को देख रहे थे कहाँ है कहाँ नहीं है, तो मिल गया वो एक तो पंचर ठीक कर रहा अभी। ऐसा ही होता है भाई यहाँ पे अफ्रीका में। तो भाई फाइनली पहुंच गया हमें किसुमू। तो ये है भाई किसुमू का टैक्सी स्टैंड, मटाटो स्टैंड जो भी है। क्या हुआ अभी मेरे को सिम कार्ड लेने का है सबसे पहले तो, और खाना भी खाऊंगा यार भूख लग के, दो या तीन बज गए दोपहर के। ये यहाँ पे टैक्सी स्टैंड, ये लोग मटाटो बोलते हैं यहाँ पे। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच भाई। यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं, लेकिन वही धीरे से हल्के से आपको पैसे मांग लेते बाद में, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से रहना हो कभी आओगे तो। ये यहाँ पे चपाती वगैरह बना रहे शायद। कमिंग फ्रॉम उगांडा। उगांडा? यस बट आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया? यस। यू आर हियर फ्रॉम इंडिया? यस। ओके दिस वे। ओके द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स भाई, अच्छा आदमी था, होगा हेल्प कर रहा था मेरी। आई कांट। हाँ हाँ, सो यू ओनली सेल टू केनियन पासपोर्ट? केनियन पासपोर्ट। हाँ भाई, अभी यहाँ पे सिम कार्ड लेने आया था, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मेरे को मिलेगा नहीं क्योंकि मैं फॉरेनर हूँ, और यहाँ पे सिर्फ जो लोकल लोग हैं उनको मिलेगा। तो भाई अभी हम दुकान जा रहे हैं सफारी कॉम के ऑफिस जा रहा है। इतने भाई ने मेरे कितने 100 शिलिंग ले रहा हो, पता नहीं कितना दूर है। तो भाई फाइनली अभी आ गया मैं ये सफारी कॉम का सिम लेने। तो अभी सिम ले लिया मैंने 1000 केनियन शिलिंग में, शायद कितना था? हाउ मच डेटा फॉर 1000? 5GB। ओके, तो 5GB मिल रहा 1000 शिलिंग में केनिया के। तो भाई यही आज का वीडियो यही ये तक था। पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय बाय।